हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल माई फ्री एकेडमी। और इस वीडियो में अपन देखना चाहेंगे कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसको अपन O2 से एक्सप्रेस कर सकते हैं, O2 से अपन इसको जनरली एक्सप्रेस करते हैं, उसको अपन लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो जो लुईस कॉन्सेप्ट है उसका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है कि जो वही एटम स्टेबल रह पाएगा जिसके वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर 8 हो, तभी किसी भी एटम में स्टेबिलिटी आती है। और उन्होंने ये जो लुईस कॉन्सेप्ट है वो क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने नोबल गैसेस को देखा और नोबल गैसेस को देखने से पता चला कि अगर उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसीलिए नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अपन इनको नोबल गैसेस बोल रहे हैं और नॉन रिएक्टिव गैसेस बोलते हैं। और ये सारी जो गैसेस होते हैं नोबल गैसेस, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, इनके सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए लुईस को लगा कि अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो एलिमेंट स्टेबल होता है, इसीलिए उन्होंने एक ऑक्टेट वाला कॉन्सेप्ट डेवलप किया। सो उस ऑक्टेट के कॉन्सेप्ट से, लुईस कॉन्सेप्ट से अपन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि किस तरीके से बनता है। सो जैसे आपने देखा होगा गाइस कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो जनरली इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड को एक्सप्रेस किया जाता है, और ये जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं साथ साथ में इनके जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं उनके पास में दो दो लोन पेयर्स भी होते हैं। इसके अलावा ये वाला जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा बोला जाता है और ये वाला जो बॉन्ड होता है ये पाई बोला जाता है। तो ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है ये तो अपन लुईस कॉन्सेप्ट से नहीं चेक करते हैं, ये VBT के कॉन्सेप्ट से अपने को पता चलता है, बट स्टिल लुईस के कॉन्सेप्ट से अपन जानना चाहेंगे कि दो ऑक्सीजन के एटम्स ने अपने बीच में डबल बॉन्ड क्यों बनाया। ये जानने के लिए अपने को सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन ने सोडेंगर वेव मैकेनिकल मॉडल से पहले सीखी है उस तरीके से अपने को एटॉमिक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी होगी, और वहां से अपने को पता चलेगा कि क्यों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है। सबसे पहले जो ऑक्सीजन का एटम होता है उस ऑक्सीजन के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर इसकी कॉन्फिगरेशन अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से लिखी जाए सो इसकी कॉन्फिगरेशन होनी चाहिए 2,6। दैट मीन्स इसके जो वैलेंस सेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ऑक्सीजन का जो एटम है वो स्टेबल नहीं है। इस ऑक्सीजन की एटम की स्टेबिलिटी तभी आएगी जब इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, और इसीलिए ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से हेल्प लेगा सो दैट उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। सो ये ऑक्सीजन का एटम पर्टिकुलरली एक और ऑक्सीजन के एटम के पास में जाएगा। वो ऑक्सीजन का एटम जो नेक्स्ट दूसरा ऑक्सीजन का एटम होगा उसकी हालत भी सेम होगी, उसके पास भी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो एक दूसरे की हेल्प करके किस तरीके से मॉलिक्यूल बनाते हैं ये अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर एक ऑक्सीजन के एटम को लिखा जाए तो इसके पास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन को अपन इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इसके ऑक्सीजन के चारों तरफ जो डॉट है वो हर एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, यही लुईस का कॉन्सेप्ट है, ये लुईस डायग्राम इनको अपन बोलते हैं। दो ऑक्सीजन के एटम्स को अगर पास पास में लिखा जाए तो इन दोनों ऑक्सीजन के एटम्स के वैलेंस सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अपन ने दोनों ऑक्सीजन के एटम्स के वैलेंस सेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्रेस कर दिया। अब ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम होगा इसका ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ये वाले इलेक्ट्रॉन से शेयर होगा। शेयरिंग का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर हो जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर इस ऑक्सीजन के एटम के माने जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के एटम के माने जाएंगे। ऐसे ही इस ऑक्सीजन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर हो जाएगा, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के भी माने जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के माने जाएंगे। देखते हैं इसे क्या होगा। अपन सबसे पहले इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं एक दूसरे से, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी एक दूसरे से शेयर कर देते हैं और चेक करते हैं कि ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जैसे अपन ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं वो दोनों ऑक्सीजन एटम्स के काउंट होंगे। इस ऑक्सीजन के लिए 2+2+4+2+6+2+8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे इस ऑक्सीजन के पास में 2+2+2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब दोनों ऑक्सीजन के एटम्स का
जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, दैट मींस ये ऑक्सीजन एटम भी स्टेबल है और ये ऑक्सीजन एटम भी स्टेबल है। बट ये करने के लिए दोनों ऑक्सीजन के एटम्स को एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ा, और दैट इज वाई दिस इज नॉन एज ए केमिकल बॉन्ड। दो ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहेंगे और इस डिस्टेंस के बीच में दोनों ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, और इसलिए ये एक दूसरे से बॉन्डेड हो गए, और इसीलिए एक एटम ना बोल के इनको अपन एक मॉलिक्यूल बोलेंगे। सो इस तरीके से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये सामने आती है कि ये जो ऑक्सीजन का एटम था इसके ये दो इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए, बट इन दो इलेक्ट्रॉन्स का क्या? ये इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद में एक बॉन्ड में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन भी शेयर होने के बाद एक बॉन्ड में चला गया, तो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया जैसे अपन ने यहां देखा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को तो अपन बोल सकते हैं कि दे आर बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स, पेयर्स मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड इसलिए क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ये बॉन्ड के अंदर नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाएगा लोन पेयर। सो इसके अंदर टोटल अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में अपन लोन पेयर चेक करें तो टोटल 1, 2, 3, 4 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। दैट मींस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड होगा, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और टोटल 2 बॉन्ड पेयर होंगे, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में टोटल 4 लोन पेयर होंगे और टोटल 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। सो इस तरीके से अपन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन लुईस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुली ये बता देता है कि ऑक्सीजन के दो एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इसमें और कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं और कोई मॉलिक्यूल जो लुईस कॉन्सेप्ट से डेवलप करें, डिजाइन उसको ड्रॉ करें, तो आप अपने वीडियोस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आज शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू लेटर।